हेलो दोस्तों, तो देखते हैं कि आज जो हमने एनालिसिस करके रखा था एक दिन पहले, जो मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या परफॉर्मेंस रहा। आज तो बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है मार्केट में, और अब मार्केट उससे पहले सुबह कैसे ओपन हुआ और हमारी प्लानिंग क्या थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या मूवमेंट हुआ वो आपको बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में वापिस आज बैठ के कल सुबह मार्केट में क्या करना है उसका भी मैं लेवल आपको देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो प्रॉपर देखेंगे, देखते स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखो, 2 मई को जो मार्केट खत्म हो चुका था, 3 तारीख को छुट्टी थी, इसलिए 2 तारीख को ही शाम को तो भी मैंने लेवल निकाल के आपको वीडियो में बताया था कि ये बैंक निफ्टी का रेंज रहेगा 36,353 से लेके 36,199। ये रेंज में अगर मार्केट आज 4 तारीख को खुलता है तो शॉर्ट सेल करना है, ट्रेड सेल का लेना है। और यही एग्जैक्टली आप देखेंगे तो सुबह सुबह थोड़ा मार्केट गैप अप हुआ, थोड़ा सा प्लस दिख रहा था मार्केट में यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूअसली गिरना चालू हुआ। तो यही इंपॉर्टेंट चीज था कि जब हमने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया था तो ये मार्केट बहुत अच्छे से गया। यह दिन जो था 2 तारीख को हमने जो रेंज बनाया था लगभग यही रेंज था, मार्केट वो रेंज में आया ही नहीं, कंसोलिडेशन हो रहा था। आपको ये पिक करते आना चाहिए कि जब कंसोलिडेशन होने वाला है तो या तो आप ट्रेड ही नहीं करें तो अच्छा रहेगा, और ट्रेड कर रहे तो सिंगल ट्रेड होना चाहिए, उसमें ज्यादा बार बार बाय सेल नहीं होना चाहिए। तो इस दिन हमारा तो ट्रेड हुआ ही नहीं था और हम यही रेंज के लिए वेट कर रहे थे। आज मार्केट में सुबह सुबह वो रेंज में मार्केट आया तो हमने शॉर्ट सेल कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे सेल किया उसके बाद मार्केट ने हमारे दोनों टारगेट कंप्लीट किया। ये हो गया बैंक निफ्टी का। वैसे ही निफ्टी में क्या करना था वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो निफ्टी में देखो, जैसे ही वहां पे अगेन वही चीज थी कि जब मार्केट 2 तारीख को था कि कंप्लीटली कंसोलिडेशन किया था, 2 तारीख का जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके दिया था उसमें भी आप देखो चैनल डिस्क्रिप्शन में मैंने ये डाला हुआ है कि 2 तारीख को जो वीडियो मैंने पब्लिक किया था वही वीडियो में आपको समझ में आएगा कि मैं बोल रहा था कि कंसोलिडेशन था, हमने कोई ट्रेड नहीं किया। कभी कभी ट्रेड ना करना अच्छा रहता है, ये मैंने वहां पे भी बताया है। तो आज क्या था, देखो आज के लिए हमने ये लेवल बताया था, ये रेंज में मार्केट आता है तो सीधा शॉर्ट सेल करो। ऑलमोस्ट अपने सेलिंग रेंज के नजदीक मार्केट था 17,147 से, और वहीं से जो मार्केट ने गिरना चालू किया तो कंटिन्यूअसली लगभग बहुत ज्यादा मूवमेंट आया। क्योंकि 2 बजे के बाद, यहाँ तक तो ये नॉर्मल मार्केट का मूवमेंट था, लेकिन 2 बजे के बाद आज आरबीआई का पॉलिसी था उसका एक्शन हुआ, मार्केट में इंटरेस्ट रेट थोड़े बढ़े इसलिए मार्केट ने थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन दिखाया और थोड़ा गिर गया मार्केट एक्स्ट्रा। तो ये प्रोसेस था, अदरवाइज मार्केट वैसे भी गिरने ही वाला था। मार्केट में जब डेली का चार्ट अगर देखेंगे तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, ये प्रोसेस है। बीच बीच में मार्केट जब ऊपर आ रहा है तो डेली में पुल बैक करता है, और वापिस मार्केट जब गिरता है तो जोर से गिर रहा है, ये प्रोसेस अभी के लिए चल रहा है। तो राइज ऑन सेलिंग ऑन राइज हमें करना है हमेशा यहाँ पे। तो ये प्रोसेस हमें सपोज यहाँ पे समझ में अच्छे से, यहाँ पे भी प्रॉफिट हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों टारगेट अच्छे हुए, और उसके बाद भी मार्केट नीचे गिरा। अभी बात करते हैं कि आज बैठ के कल मार्केट में कैसे काम करना है, क्या निफ्टी का लेवल रहेगा, क्या बैंक निफ्टी का लेवल रहेगा, यही चीज। और बहुत से लोग बोलते हैं सर लाइव मार्केट में कुछ अपडेट करना है, तो आज तक देखो यही लेवल जो मैंने आपको दिया था निफ्टी का और बैंक निफ्टी का उसी का यूज करके सुबह सुबह जब मार्केट यही पे था तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का कौन से कॉल में काम करना है उस इसका भी लाइव मार्केट का वीडियो मैंने अपलोड किया था, रिलीज किया था, वो आपको मिला होगा यही डिस्क्रिप्शन में। मैं उसका भी वीडियो देखो दे दूंगा कि सुबह सुबह 10 बजे से पहले पहले वो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और उसमें भी बहुत अच्छे से प्रॉफिट हुआ है। तो क्या था वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कि निफ्टी इंडेक्स में जो ऑप्शन हम काम करते हैं तो वो जो ट्रेड लिया था मैंने तो आपको मैं बताता हूँ कि जैसे ही मार्केट अपने रेंज में मिला, शॉर्ट सेल का रेंज जो निफ्टी बैंक निफ्टी का रेंज था हमारा, वो रेंज में जैसे ही आया तो 36,300 का जो पुट था उसको मैंने परचेस कर दिया। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक था कि जैसे मैंने बोला कि ये रेंज में मार्केट आएगा तो वहां से गिरेगा, जब गिरेगा तो मुझे पुट खरीदना है। कौन सा पुट खरीदना है, तो जो रेंज का सपोर्ट 36,300 है वो पुट को मैंने खरीद लिया। और वही चीज मैंने 9:20 को लाइव मार्केट में मैं बता रहा था, अगर ये रेंज में खरीदेंगे तो टॉप लॉस 422 का लगाना था, मतलब लगभग 100-110 पॉइंट का टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए देखो, 12 मई का मतलब मैं एक एक्स्ट्रा, मतलब 5 मई का भी मैं ले सकता था लेकिन मैंने 12 मई कर लिया कि अगर कुछ मार्केट में मूवमेंट ना भी आए तो हमें टाइम वैल्यू ज्यादा तकलीफ नहीं करेगा ऐसा। तो 17,100 का पुट मैंने निफ्टी के लिए खरीदा था 250 में 230 में, 101 का टॉप लॉस लगा के रखा था। मार्केट ने दोनों टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए, ये प्रोसेस है। और ये भी मैंने 9:25 को बोल रहा था, और जैसे ही ये ट्रेड दिया वैसे ही लाइव मार्केट में भी मैंने आपको एक ऑप्शन का रिकॉर्डिंग करके भेजा था,
रहेगा, आप वो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसको भी ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। वैसे ही आपके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही ये निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन का मैंने कॉल बताया, वैसे ही सुबह ही मार्केट जब खुला था तो एक 10 बजे के टाइम में मार्केट में मैंने नेचुरल गैस में क्या काम करना है आज का वो लेवल मैंने बताया, उस चीज का भी मैं रिकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो ये रेंज मेरा बाइंग का रेंज था कि 595-598 के रेंज में मार्केट को बाय करना है नेचुरल गैस को, और हमने खरीदा, मार्केट लगभग यहाँ पे था, मतलब मैंने वो रिकॉर्ड करके भेजा है। और आप यहाँ से कंटिन्यूअसली अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट टारगेट 1 से भी ऊपर चला गया है। 624 का मैंने टारगेट बताया हुआ है और 621 का हाई क्या हुआ है। अभी भी मार्केट थोड़े देर के बाद वापिस 624 को जा सकता है, पहला टारगेट कंप्लीट किया हुआ है। ये प्रोसेस है नेचुरल गैस का, इस हिसाब से मार्केट में हमने यहाँ पे अच्छे से मूवमेंट हुआ है। अभी आपको ज्यादा वेट न करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में आज 4 तारीख को बैठ के 5 तारीख के लिए मार्केट में क्या ट्रेड लेना वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे कल देखना है कि ये मार्केट यहाँ पे हमारा क्लोज हो चुका है आज 4 तारीख को। कल अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी ओपन होता है तो 35,568 से लेके 35,394 ये रेंज में हमें मार्केट में शॉर्ट सेल करना है, और यहाँ से अपना 35,055 और 34,872 का ये दोनों टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट कुछ ज्यादा गैप अप कर देता है और ये बाइंग रेंज में अगर चला जाता है तो फिर हम बाय करेंगे 35,799 से लेके 35,935। ये रेंज में अगर मार्केट आता है तो ही बाय करना है, इसके ऊपर जाएगा तो ही मार्केट में बाइंग का फोर्स आएगा, तब तक मार्केट में बाय नहीं है, ओके। और अगर यहाँ पे बाय हो जाता है तो फिर 36,274 और 36,388 ये दोनों टारगेट के लिए हमें यहाँ पे वेट करना है। मोटा मोटी यहाँ पे मार्केट थोड़ा गैप अप करेगा कल, लेकिन गैप अप करेगा तो भी ये रेंज में जैसे ही मिलता है तो वापिस हमें शॉर्ट सेल ही करना है, ये प्रोसेस करना है। ये हो गया हमारा इसका ट्रेड, हमें निफ्टी में बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है। वैसे ही निफ्टी के लिए क्या काम कर रहा है वो आपको मैं बता देता हूँ कि आज 5 तारीख को मार्केट, 4 तारीख को हम बैठे हैं और सुबह 5 तारीख को जब मार्केट सुबह खुलेगा तो क्या ट्रेड लेना, कैसे ट्रेड लेना। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे 16,847 से लेके 16,799 ये रेंज में मार्केट, ये 50 पॉइंट के रेंज में जब भी मार्केट आता है थोड़ा गैप अप भी खुलता है तो यहाँ पे हमें वापस सेलिंग आने वाला है, वहां पे वापस शॉर्ट सेल होगा और मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली 16,682 से लेके 16,627 ये दोनों टारगेट को जाएगा। वैसे अगर मार्केट अगर बहुत ज्यादा गैप अप होता है, कुछ अलग कुछ मतलब जो अभी सिचुएशन है वो चेंज होके अगर मार्केट सीधा 16,940 से लेके 16,987 ये रेंज में अगर मिलता है, ये रेंज के ऊपर अगर जाएगा तो ही कल बाय का सोचना है। अदरवाइज हमें मार्केट अगर थोड़ा गैप अप भी मिलता है तो शॉर्ट सेल का ही करना है, ये प्रोसेस करना है। ये रेंज के ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे और फिर 17,104 और 17,146 ये दोनों टारगेट रहेंगे। आज जैसे हमने मार्केट में काम किया ऐसे ही मार्केट में कल भी हमें काम करना है, ओके। ये प्रोसेस है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है और ये जो मैं लेवल दे रहा हूँ वो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। थैंक यू सो मच।